मम्मी सेंटर में आ जाओ। फोर्टी पोजीशन में मत बैठो, ये मुझे दो। पूरा राज्य चला गया पता है आज क्यों नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि मैं स्पॉटलाइट में क्यों नहीं अच्छा लग रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। मम्मी कह रही चुपचाप दबे पैर बैठ जाओ, कुछ कोई बैठ रहे नहीं मेरा, इतना लग रहा है चुपचाप जाओ। दीदी आई के लिए चुप रहो, दीदी मत करो, यही करते रह जाएंगे। मैं आपको रख रही हूँ, रुको 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 रुको, ठीक तो है। चलो देखियो चप्पल वगैरह सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई है, दीदी मैं नहीं मान पाऊंगी, मैं नहीं मान पाऊंगी। मत मानो फिर, ये कमरा खुला पड़ा है, बंद कर दे। जगह क्या अभी मेन कैरेक्टर को, मेन कैरेक्टर आज की वीडियो में मैं हूँ। पहली बार जिंदगी में साइड रोल से कुछ रोल मिला है मेरे को। जैसे ना गुनगुन अगर मुझे उल्टा बोल देती है, उल्टा नहीं मैं बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बहुत देर से इरिटेट करी और मैं अगर इनको इतना भी बोल दूँ तमीज नहीं है क्या भाई, ऐसे बोलती है वाह अब तू अपने लिए स्टैंड भी लेने लग गई। मतलब ये चल रहा है दसवीं की पढ़ाई में, आई एम एडिक्ट एडिक्ट इन शॉर्ट। कैसे बैठूं बताओ, पीछे मैं अभी आज भी पीछे हूँ, पीछे तो आज सारी स्पॉटलाइट गुनगुन को मिली है, क्योंकि गुनगुन आज हमसे क्वेश्चंस पूछेगी, मुझसे और मम्मा से, और उसके बाद हमें आंसर देना है कि हु नोज हर लड़का हाँ इसके बारे में, और जो आंसर देगा उसका पहले हाथ रेज करना है। आपको ऐसे चैलेंज वीडियोस हमारी अच्छी लगती है इसलिए मैं बना रही हूँ, ऐसे पता चलेगा हु नोज मी बेटर। मुझे नहीं पता था मम्मा ऐसे तो करती है, मैं तो इनसे पूरी करती हूँ, मुझे नहीं पता ऐसे। तो मम्मी आपने मुझे 15 साल से पैदा किया, मैं कह रही 15 साल से पैदा किया, 7 साल से लड़की को नहीं जानती इतना। मम्मा इतनी क्यों डरती हो, हर चीज में पहले हाथ के बैठ दो, हर चीज में मैं चाह रही हूँ गुनगुन का अच्छा तेरा फेवरेट फूड बताना, कम्फर्ट फूड मुझे नहीं, मम्मी का कुछ घर का चावल फ्राइड राइस मेरे को राजमा चावल पसंद है बट मेरा कम्फर्ट फूड नहीं है, तेरा कम्फर्ट फूड है फूड है फ्राइड चावल दाल चावल थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, मेरे को तब पता चलेगा तुम्हें मेरे कान में आंसर देना है, अगर तुम्हें पता है तो। अच्छा ओनली एंड ओनली हु इज माय करंट क्रश। ओके एक दिन इसको ये वाले क्रश उसको इतना पसंद आ जाएगा और कुछ भी नहीं पता इसका, हम भी सोचेंगे वाओ यार क्रश तो सुंदर है, नेक्स्ट डे उसको ब्लॉक मार देगी, बात नहीं करती बिना बात करके ब्लॉक मार देगी, दूसरे पे फ्लिप कर। ऐसे कैसे पता चलेगा इतना गंदा कैरेक्टरलेस ना पॉजिटिव। चल मैं बताऊंगी ला लड़की। अच्छा गाइस ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट हु वाज माय फर्स्ट क्रश मुझे बता। फर्स्ट क्लास में था बताओ, हमारा अभी तक क्रश नहीं मना, सीधा बंदा बन गया ना पति बन गया सीधा। तो एक दीदी के दो मम्मी आपका एक थप्पड़ मार दिया, ये बैठो के खुश हो गए, तीन तो क्वेश्चन में एक का मेरा एक का एक इसका खराब हो गया था वो पहले वाला। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हॉबी और एक्टिविटी आई एंजॉय, प्लीज ऐसे बंद करो, प्लीज ड्राइंग करना और डांसिंग गुड। अरे कम में पहले डांस क्या बना है, ये तो ऐसे बॉडी होती डांसिंग, तू डांस कब करती है, अब नहीं करती तू डांस मम्मी कितना, और मैं ड्राइंग कब करती हूं ये तो बता दो। इधर सब तूने अनामिका के साथ इतनी बार क्यों की, एक बार ही वो दिखाना आपके पीछे क्या रखा, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है ऐसे से वाली। गाइस हमारे घर में पहली बार कैरेक्टर ना, और सिर्फ ये ऐसी भी है टूट जाओ कभी भी ना टूट जाए मेरी हमेशा लव मैम करती हूं गरीबों को, बता यार ये खराब नहीं है, मेरे अपना हाथ दिखाओ खा जी उसे पागल हो, थोड़ी सी बात बात कर लो, दिखा दिखा मुझे दिखा मम्मी क्यों दिखाऊं, व्हाट इज माय फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, आपने तो सुना ही नहीं, वो मुझे पहले पता चल गया था क्योंकि व्हाट इज माय फेवरेट कुछ खाने से रिलेटेड है। अच्छा चॉकलेट कहां की मेरे को सबसे ज्यादा पसंद, मैकडॉनल्ड्स यानी और ब्राउनी वाली, एन एटीट्यूड आई हेट, मतलब एक जो एक सेकंड जो मेरा होता है जैसे वो वाला जो होता है कि जब मैं मम्मी की सगी बनती हूँ, मम्मी की सगी नहीं जब आप उस टेंशन में आ
आती हो किसे? अपने असली वाले रूप में। मुझे ना एक एटीट्यूड जो गंदा लगता है वो है किसी के अंदर जब ईगो होती है, आपके अंदर ईगो, हाँ ईगो है, लड़ाई हो जाती है तो आपको ये वाला माना नहीं जाएगा, आउट नहीं करते इसका, ये वाला माना नहीं जाएगा, ये तो इसने गलती नहीं, बट सही बोला, शी वाज राइट, आपने तो कुछ ही नहीं बोला। फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून द कॉकरोचेस, फेवरेट भीम, छोटा भीम, मैंने इससे पहले बोल दिया ना, बट मम्मी ने भीम बोला, वो छोटा भीम, हाँ वो छोटा भीम है। माय मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, एक बच्चे एक बार ये गुनगुन अपने क्रश के सामने गई और उसने ना ये बोला एक छोटे से बच्चे को ऐसे देखे कितना क्यूट है, और उस बच्चे इससे बहुत छोटा था और उस बच्चे ने इसके पांच छह थप्पड़ मारे और मेरे क्रश के सामने। वो घर पे आया और वो बोलता कि वॉशरूम का मेरे चन मैं को लेके चला, और पता है बहुत बार का सब ये सीरियसली हुआ था, और मैंने उसके दो तो ऐसे उंगली से चाटे मारे की आवाज ना फाड़ दिए, उसकी बाल फाड़ दिए, और पता है मुझे गुस्सा आया उसके बाद फिर सब बहुत अच्छे से, मैंने कहा ये तो कुछ अलग हो रहा है। मेरे दीदी ने मुझे बाद में बताया कि वो पीट दिया मैंने मेरे को। टेल मी वन ऑफ द वियर्डेस्ट थिंग्स दैट आई हैव डन इन पब्लिक, बाद में आना, एवरीवन डज इट, कम ऑन, वन ऑफ द वियर्डेस्ट थिंग, मतलब कुछ ऐसा जो जिसे चुपचाप कई बार देखती है इधर उधर और थूली का कितना चश्मा साफ कर दिया, किया हो, करती है नहीं, जो मैंने किया हो। नाम की उंगली घुमाना, मेरी याद है जब हम जयपुर गए थे तो बुफे आया था जिसमें वाटर मेलन, इसने क्या करा, हम लोग बुफे में गए और इसने ना वाटरमेलन वो ऐसे त्रिशूल में काटे हुए थे, उनके नीचे छिलका भी था, इसको लगा पूरा खाना होता है, पहली बार बुफे में गई तो पूरा खा लिया, और वो वाटरमेलन के छिलके ऐसे जैसे रौनक को गुनु को कोई बात बुरी लगी और ये उस समय बोलना चाहती है और उस समय ना मुंह पे नहीं बोल पाती बंदे को, हाँ ये चीज मेरे और ना इसको लगता है कि मैंने उस समय क्यों नहीं बोला, एग्जैक्टली exactly. और इसके अंदर भी बहुत रिग्रेट होता है कि मतलब इसकी ये मतलब किसी का मन मतलब छिटकी आ जाती है, छिटकी आ जाती है, इससे आ जाती है, अगर मेरे से लड़ाई हो रही है मैं तब नहीं बोलूंगी, मेरे मुंह पे बड़ी जुबान लड़ाती हूं, किसी को नहीं बोलती, नहीं नहीं नहीं, तो ये आई वांट टू चेंज दिस थिंग अबाउट माय सेल्फ, ये तो मुझे चेंज करना, समथिंग आई एम रियली बैड एट, मतलब बहुत ही नीच हूं मैं, ड्राइंग नहीं कर पाती, ड्रॉइंग, कुकिंग, एक बात सुन, तूने सुना क्यों नहीं, कुकिंग कर सकती, सबसे पहले मैंने ड्रॉइंग बोला, ड्रॉइंग मम्मी ने बोल दिया था, आपने फ्रॉइंग बोला, अच्छा मम्मी यार मम्मी जीते जा रही हूँ, ये दीदी को पता होगा, ये मम्मी बता ही नहीं सकती, व्हाट इज समथिंग गारंटीड दैट्स मतलब व्हाट इज समथिंग दैट इज व्हाट इज समथिंग दैट इज गारंटीड टू मेक मी लाफ, कुछ बोलती नहीं है ये वाला, व्हाट इज माय ड्रीम, एक मिनट ये कह रही मैं, सुन सुन, हां क्या ड्रीम प्लेस, अभी ये करती रहो, पेरिस, गुड, तू कर रही है, आई वांट टू विजिट पेरिस, मतलब ड्रीम प्लेस, गरीब इंसान के आगे ये बोल दो पेरिस, वो तो हां ही बोलेगा, डिज्नीलैंड भी तो है इतना ही, तुझे यू लाइक यूरोप, आई लाइक होल यूरोप, माय फेवरेट स्ट्रीट फूड, प्लीज गोलगप्पा, माई फेवरेट कलर पिंक और व्हाइट, नो पिंक, आई थिंक शी लाइक्स लाइलैक और लैवेंडर, आई लाइक पेस्टल कलर्स बेसिकली, लाइलैक, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, सियान, जियान, इंडिगो, इट्स माय ज़ोडियाक साइन गाइस, इंग्लिश में बताना है, ये तो मैं बता सकती हूँ, बिच्छू, मेष है मेरा, मेष कौन होता है, आपकी जैसी लगती है, आई लाइक हर, अच्छा ठीक है, ऐसे पलटो द लास्ट बुक आई रेड, द लव ऑफ द, इट्स इट्स इट्स
इट्स नॉट लव. मैंने तो बोल दिया गुनगुन ये तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी. चल अभी देखेंगे लास्ट में किसने किया ठीक है उसको मार्क्स. यार मुझे ऐसे लग रहा है मुझे जूम हो रही है छी गंदी कुछ नहीं मतलब उसी मत कर ऐसे टेडी कर भाई. बचपन में मुझे दे दी थी एक बच्ची ने मेरे स्कूल से बहुत गंदी जूम और इतने साल तक थी हमारी भी ढेरी लगी. आप पता है मैं पता है पागल हो गई थी. मैं पता है कैसी हो गई थी. कुछ नहीं जू मारो मैंने भी मारी थी खूब उस टाइम भी. यार अगर अब तेरी जू हो जाए तो उनको मारेगी. जू मारूंगी तो नहीं पर रहने दूंगी ऐसे क्योंकि गो गाइस ट्रिप करते रहो मेरे सर पे. इट इज माय फेवरेट वे टू रिलैक्स. गाने चला के चुपचाप लेट जाना ठीक है बट स्टिल थोड़ा. आई वांट तू ना वेब सीरीज आजकल बहुत देख रही है रिलैक्स के लिए. वो है नहीं वो ही है नहीं अभी. माय फेवरेट वे टू रिलैक्स मैंने तो बंद कर दिया. वो माय फेवरेट वे टू रिलैक्स मतलब जो जिसको मैं करूँ तो मुझे ऐसे बहुत म्यूजिक सुनना आजकल तुझे नहीं गुनू. हाँ बोल के ये दिखा दे मैं एस्थेटिक हूँ. अरे क्यों बोल रही है पता नहीं क्या दोनों चीजें मेरे को लग रही है इसकी कहीं सेटिंग हो गई अपनी एक्सप्रेशन अच्छा करने की. कुछ नहीं करती है कुछ भी नहीं करती. माय फेवरेट डिजर्ट डेजर्ट वो नहीं डेजर्ट सफारी नहीं सिनेमन डोनट शुगर सिनेमन डोनट्स प्रेजेंटली मम्मी मैं तेरे खाती हूँ जितने में दस दस निकल जाती हूँ. आपने मारा था इसको पकड़ के चक्कर में तो पिटी थी. दीदी को भी पता है मम्मी को भी पता है लास्ट शो आई बिंज वॉच मैंने बता दिया. मम्मी ने बोला पहले ओवर स्मार्ट पीपल नेवर विन वे इट इज द फर्स्ट थिंग आई नोटिस व्हेन आई मीट समवन. हाँ उसका तरीका कैसा है उसकी जेस्चर आउटर बट इनर में निकाल. सबसे पहले उसका तरीका कैसा है बातचीत करने का पोलाइट है कि नहीं है. मुझे ये देखना होता है कि उस बंदे का बात करने का तरीका कैसा है. ऐसा तो नहीं बोल रहा जैसे मैंने उससे बात की तो शोरी डार्लिंग ऐसे करके ना बात करे मेरे से. सो को शर ना बोले जैसे जो मेरा क्रश था. इसको ऐसे करके मोशन कितना सुहाना. दूसरी चीज ये वेल मैनर्ड होना चाहिए. ऐसे नहीं कि जैसे वो होता है ना यहाँ पे कुछ आया और फिर खा रहा है ऐसे. मेरे को टेबल मैनर्स चाहिए पसंद तो अच्छी होती है. मैंने तो सारे सही बताए. मम्मी वाज राइट. हटाई सर दीदी पीढ़ी दे दूंगी गाइस. अब तुम लोगों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा बिकॉज तुम्हें एक स्टेप करके दिखाना है. माय गो टू डांस मूव. चल तू बता ये गाना बजेगा क्या. ऐसे ऐसे करती थी ना ये देख. और ऐसे हाँ ये मैंने सही बोला. सबसे कोई ऐसा आंसर जिसको से मेरे को बहुत डर लगती है. छिपकली मक्खी भी आ जाए तो तेरी मक्खी 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 छिपकली से ज्यादा.